सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पार्ट टू जीएसटी क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं पीएसयू में। उससे पहले यहाँ पे चलते हैं लास्ट वीडियो में जो एक दो गलतियाँ हुई हैं उसे देख लेते हैं क्या है। सो यहाँ पे लास्ट टाइम एक द रजिस्टर पर्सन इन जीएसटी सेल इशू विच डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू कंपोजिशन डीलर। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग का प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो पेपर आया हुआ है राइट्स 2019 में, वहाँ आंसर जो है आपका करेक्ट बी ही दिया हुआ है, बट करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है टैक्स इनवाइस होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल टैक्स पेयर कंपोजिशन को डीलर को इशू कर रहा है। अगर कंपोजिशन डीलर इशू करेगा किसी को तो वहाँ पे आंसर बिल ऑफ सप्लाई होगा। पहला तो ये, सेकेंड वहाँ पे था कि एक शेड्यूल जो था वो वन था, मैंने उसे आई पढ़ दिया। सो वहाँ पे उसे आप करेक्ट कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने हेल्प किया है। सो अब आते हैं आज के वीडियो में, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पीएसयू में आए हुए हैं। सो पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है जो क्वेश्चंस आया हुआ है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, विथ इफेक्ट फ्रॉम डैश द हिस्टोरिक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सो इंट्रोडक्शन डेट पूछा गया यहाँ पे, जीएसटी कब अप्लीकेबल हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था। सो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे 1 अगस्त 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017 एंड डी 1 अक्टूबर 2017। सो ये चार ऑप्शन दिए गए थे और ये क्वेश्चन सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड 2020 का जो एग्जाम हुआ है वहाँ पे पूछा गया था। तो आप सोच सकते हैं जो ऑफिसर लेवल का है वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर इसका बी होगा, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, विच सेक्शन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 गवर्न्स द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सो कौन से सेक्शन यहाँ पे जो है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बताता है, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है। सेक्शन 14, बी सेक्शन 11, सी सेक्शन 13 एंड डी सेक्शन 12। तो ये चार सेक्शन दिए हैं, इनमें से टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताना है कौन सा सेक्शन है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डी है। और ये जो भी आंसर है मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, जो आंसर पेपर में आए हुए हैं दिया हुआ है वही है। अगर आपको लगता है नहीं आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने मेंशन किया, यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करके सभी को बताया जाएगा चेक करके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो, जैसे काफ़ी लोगों ने लाइक किया है कमेंट किया है तो मैं यहाँ पे पार्ट टू लेकर भी आया हूँ। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करेंगे, द फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन इंक्लूड्स। ये एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड 2020 अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है फैसिलेटिंग रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़, सी कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे और इसका करेक्ट आंसर जो है पेपर में दिया गया और है भी डी। सारे ही काम और फंक्शन जीएसटीएन के नेटवर्क पे होता है, यानी कि जीएसटी के पोर्टल पे एक तरीके से कहें तो ये सारे फैसिलेशन रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं। जो रिटर्न हम फाइल करते हैं वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही पास जाते हैं। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ जीएसटी, यहाँ पे आईजीएसटी ही मेंशन है, सारा ही होता है एक तरीके से। सो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ये नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का क्वेश्चन है, अभी चार पांच क्वेश्चन आए थे वहाँ पे। सो ये बताना है किस आर्टिकल के अंतर्गत, यानी कौन सा आर्टिकल है जिस जो कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द जीएसटी काउंसिल का बताता है, उसको आउटलाइन करता है। तो ऑप्शन वन यहाँ पे ए है 270, ऑप्शन बी 279A, ऑप्शन सी 246A एंड ऑप्शन डी 269A। तो इनमें से देखिए, एक तो होता है कि तीन बार ए है तो नॉर्मल हो गया कि ए तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीन ऑप्शन में ए देने का मतलब है कि इन्हीं तीन में से होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इसका है बी 279A। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, जीटी ज्वेलर्स लिमिटेड, एक तरीके से थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। पेड ₹50 लाख फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ मिस इंडिया ब्यूटी पीजेंट इन मुंबई टू स्टाइल्स एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फॉर्म। सो जो मुंबई में स्टाइल्स एंड कंपनी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, जीएसटी इज लाइबल टू बी पेड बाई। सो जीएसटी की लाइबिलिटी किसकी है पे करने की, एनसीएल का ही ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल हैं कौन कौन सा ये देख लेते हैं। जीटी ज्वेलर्स लिमिटेड, बी है मिस इंडिया ब्यूटी पीजेंट,
सी है स्टाइल्स एंड कंपनी, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डी है एग्जम्प्टेड सप्लाई। सो इनमें से किसकी लाइबिलिटी है जीएसटी पे करने की? सो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है पेपर में और करेक्ट आंसर वो ए है, यानी कि जेटी ज्वेलर्स की लाइबिलिटी है जीएसटी पे करने की। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कि जेटी ज्वेलर्स 50 लाख स्पॉन्सरशिप के लिए पेमेंट कर रहा है, तो ये स्टाइल एंड कंपनी को पे कर रहा है फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट इन मुंबई टू स्टाइल एंड कंपनी। सो वो उसको दे रहा है, यानी कि इनवाइस कौन इशू करेगा? स्टाइल एंड कंपनी, तो उसमें इंक्लूडेड टैक्स होगा। सो अब यहाँ पे जीएसटी इज लाइबल टू बी पेड है, यानी कि गवर्नमेंट को नहीं, किसको है? सिंपल सा है, तो जो पेमेंट करेगा कैश वही करेगा, तो जीएसटी ज्वेलर्स लिमिटेड हो गया करेक्ट आंसर। अब आते हैं सी क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सी जी एस टी? यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीएल का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आई जी एस टी, ऑप्शन बी एस जी एस टी, यू टी जी एस टी यानी कि यूनियन टेरीटरी, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। ये चार ऑप्शन है और बताना है कि कौन सा जी एस टी का टैक्स क्रेडिट का लाइबिलिटी जो है सेट ऑफ नहीं कर सकते। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। सो सी जी एस टी की टैक्स लाइबिलिटी को हम एस जी एस टी से एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी एस जी एस टी के लिए एडजस्ट नहीं करते, सी जी एस टी का सी जी एस टी और आई जी एस टी में कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर बी हो गया। 7 नंबर यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ मंथली जी एस टी आर 1 एनसीएल 2020? यहाँ पे ऑप्शन में वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि करंट सिनेरियो जो वो डेट चेंज हो गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से करेक्ट आंसर आप चॉइस में ले सकते हैं, जो जी एस टी जिन्होंने पढ़ा होगा अपने सी एस सी ए में या फिर बी कॉम ग्रेजुएशन में। ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ, ऑप्शन बी। ऑन और बिफोर 15th डे ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ, ऑन और बिफोर 17th डे ऑफ इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ, डी ऑप्शन ऑन और बिफोर 20th डे। तो इनमें से कौन सा जी एस टी रिटर्न 1 यानी जी एस टी आर 1 यहाँ मैंसन किया हुआ है, जी एस टी आर 1 को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है वो ए है, बट अभी करंटली जो डेट है उसे 10 से 11 कर दिया गया है। सो ये पुराने डेट के हिसाब से, तो आपको ऑप्शन अवेलेबल है, सो आप उसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपनसेशन टू स्टेट अंडर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 17 इज पेड बाई, ये राइट्स 2020 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे ये देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आपको देख सकते हैं बेसिक्स क्वेश्चंस ही हैं सारे जीएसटी में जो भी आए हैं अभी तक। सो यहाँ पे ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम जीएसटी कंपनसेशन फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली पेड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कंपनसेशन सेस जीएसटी काउंसिल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसको आप यहाँ पे गवर्नमेंट पेड करने के लिए यूटिलाइज करता है? तो आंसर यहाँ पे एक बी है, गवर्नमेंट फ्रॉम जीएसटी कंपनसेशन फंड ऑफ इंडिया। सो बी आंसर करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई? सो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई थिंक आंसर आपको पता होगा, ट्रिफ्ट 2020 का क्वेश्चन है। आईजीएसटी ऑप्शन बी, सीजीएसटी ऑप्शन सी, एसजीएसटी एंड ऑप्शन डी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे हम क्या यूज़ करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों ही लगता है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज लेविड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो यहाँ पे पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन था जो यहाँ पे थोड़ा अलग दिया हुआ है घुमा के, बस क्वेश्चन वही है, आंसर भी उसका वही है। ये कोल इंडिया लिमिटेड का क्वेश्चन है कि डैश इज लेविड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। तो यहाँ पे आंसर आपको पता ही होगा, पहला है सी जी एस टी, ऑप्शन बी सी एंड एस जी एस टी, ऑप्शन सी एस जी एस टी एंड ऑप्शन डी आई जी एस टी। सो करेक्ट आंसर इज डी आई जी एस टी। सो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए बेसिक ही हैं, वीडियो को लाइक करते रहिए। ताकि अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ विल गुड्स एंड सर्विस बी क्लासिफाइड अंडर जीएसटी रिजीम, ट्रिप्ट 2020 का क्वेश्चन है। सो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जीएसटी कोड, सैक कोड, एस ए सी ऑब्लिक एच एस एन कोड एंड ऑप्शन डी एच एस एन कोड। सो इनमें से कौन सा गुड्स एंड सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है? तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है और इजी आंसर है इसका, ऑप्शन सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है, सर्विस के लिए हम एसएससी का यूज़ करते हैं और गुड्स के लिए एचएसएन कोड का यूज़ करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का।
द ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 52 सेल फाइल इट्स मंथली रिटर्न इन. सो मंथली रिटर्न का ड्यू डेट एक्सपेक्टेड पूछा है रिटर्न के साथ. तो यहाँ पे ऑप्शन आपको चार दिए हुए हैं, फ्रॉम GSTR 8 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, GSTR 7 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ द क्वार्टर, एंड GSTR 8 17th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, अगेन GSTR 8 बाई 18th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ. सो ये चार ऑप्शन है. यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ कॉमन है, ए सी डी में आपका GSTR 8 मेंशन है और बी आपका 7 है. सो मोस्ट वाली तीन में ऑप्शन में तो 8 का ही होना चाहिए GSTR. इस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, कोई भी क्वेश्चन अगर है तो वहाँ पे ज़्यादातर. सो करेक्ट आंसर इसका ए है, GSTR 8 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ. सो आई होप फ्रेंड्स ये सारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो. सो लाइक ज़रूर करें. लाइक टारगेट है यहाँ पे 200. अगर 200 लाइक्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है 10 से 15 क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ. और जल्द ही मैं लाइव सेशन ये सारा करने वाला हूँ जहाँ पे आप आंसर जो है दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं. सो उसमें कोशिश करूँगा 20 to 25 क्वेश्चंस रैंडम सभी मिला के लाऊँ जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उससे आपका प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक द वीडियो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया आपने ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको